बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम साजिद मुनीर है और आप देख रहे हैं MN फूड। ये मेरे वाले साहब हैं मुनीर अहमद। अबू से पूछते हैं कि ये क्या खाएंगे। हाँ जी अबू जी, तुम की खाना आज? अबू कट्टे का गोश्त खाना। कट्टे का? हाँ बोले गए। पूजा है खाना वहाँ? पूजा। चलो सही है, चलो सही है। अबू तुम बैठो, तस्बीह करो, दुरूद पढ़ो, मैं इंशाल्लाह बना के लेके आ रहा हूँ। सही है। मिठू मियाँ, मिठू ने भी सिखाओ दुरूद शरीफ। बोलता बुए? हाँ बोलता बोलता। मिठू मिठू मिठू। जी व्यूअर्स, ये मैं गोश्त लेके आ गया अबू के लिए। अबू ने जो कहा था कट्टे का, अभी हम इंशाल्लाह गोश्त बनाएंगे और अबू को देंगे। ये 2 किलो गोश्त है और इसमें ये चीजें हम डालेंगे। ये देख लें, ये दरमियाने साइज के जो 5 हमने प्याज लिए हैं, ये सब्ज मिर्च है, सब्ज धनिया है, 4 टमाटर है और ये अदरक है, ये 2 जो है लहसुन है, ये देसी लहसुन है। ये इंशाल्लाह डालेंगे और अबू को बना के देंगे अच्छा सा एक सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये सब कुछ तैयार कर लिया हमने, अभी इंशाल्लाह बनाएंगे इसको। व्यूअर्स, ये लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च को हम कूट लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम ये गोश्त डालेंगे, 2 किलो गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हमने जो सारा मसाला काटा था, टमाटर प्याज वगैरह, वो सारा इसमें डाल दिया और साथ ही नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल दी है और पानी भी ऐड कर दिया है। और अभी प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और चूल्हे पर रखते हैं। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर को हमने चूल्हे पर रख दिया और 20 से 25 मिनट आग जलाएंगे। व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर को चूल्हे से नीचे उतार लिया अभी, और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने का वेट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये थोड़ा सा पानी बच गया, अगर हम 25 मिनट लगाते तो ये पानी सूख जाना था। ये चेक कर रहा हूँ मैं, गोश्त तो गल गया है। तो अभी हम इस गोश्त को एक कढ़ाई में भूनते हैं। व्यूअर्स, गोश्त को कढ़ाई में डाल दिया और अच्छी तरह भून लेंगे। व्यूअर्स, पानी सूख गया बिल्कुल कढ़ाई से। अभी हम ये ऑयल डाल देंगे, घी ये थोड़ा सा डाल दिया, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो व्यूअर्स, गोश्त को अच्छी तरह भून लिया, ये देखें बहुत ही मज़ेदार।
इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और साथ में हरा धनिया। ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। व्यूअर्स, ये जो गोश्त मैं बना रहा हूँ ये अब्बू के लिए स्पेशल तैयार किया है कढ़ाई में, जो बाकी है वो कुकर में बनाऊंगा बाद में, ये स्पेशल अब्बू के लिए बना रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये एक बर्तन में डालेंगे और अब्बू को पेश करेंगे, इंशाल्लाह अब्बू को बहुत पसंद आएगी हमारी ये आज की रेसिपी। तो व्यूअर, हमारा जो खाना है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी हम अब्बू के पास लेके चलते हैं। ये सालन है और साथ हमने ये जो सैलड है वो काटा था मूली का, और ये रोटी है साथ, ये बिल्कुल रेडी है, तो अब्बू के पास लेके चलते हैं। हाँ जी अब्बू, खाना आ गया, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी, कितना लगा? बहुत मजेदार कुछ बने सालन। हाँ, तू सानू खुश किया, अल्लाह पाक तेनू खुश करे। आमीन। जिहड़े देख दे अल्लाह ताला उन्हां नू भी खुश रखे, अल्लाह जात पाक अपने हबीब दे सदके सोहणा रब रहमत करे यार के दिल ते। आमीन अबू, आमीन। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।